हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। मंत्रिमंडल में किन नए चेहरों को जगह मिलेगी, इस मुद्दे को लेकर भी सियासी गलियारों में सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में आज सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों को लेकर पूछे गए सवाल पर अनिल विज ने खामोश रहते हुए बड़ा बयान दे डाला। अनिल विज ने स्पष्ट शब्दों में कह डाला कि मंत्रिमंडल विस्तार करना पूरी तरह मुख्यमंत्री का अधिकार है और इसे लेकर सीएम ही जवाब दे पाएंगे। हरियाणा सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जो है वो पूरी चल रही है? नहीं, मुझको मालूम नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव होता है, इस बारे में वही बता सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद भी विपक्ष का सरकार पर जुबानी हमला जारी है। कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला ने कानून वापसी को लेकर कहा है कि संसद में पेश किए गए बिल से तो ऐसा लगता है कि यह तीन काले कानूनों को रद्द करने नहीं बल्कि उन्हें दोबारा लागू करने की प्रस्तावना है। रस्सी जल गई मगर ऐंठ नहीं गई। सुरजेवाला के इस बयान पर अनिल विज ने पलटवार किया है। अनिल विज ने कहा है कि सुरजेवाला कौन सी भाषा समझते हैं यह मालूम नहीं। कृषि मंत्री ने नियमों के तहत ये बिल पेश किए और अब सुरजेवाला को ना जाने किस बात से एतराज है। सर, सुरजेवाला ने केंद्रीय कृषि मंत्री पर तंज कसते हुए कहा है कि संसद में पेश किए गए बिल से लगता है कि ये तीनों काले कानूनों को रद्द करने नहीं बल्कि उन्हें दोबारा लागू करने की प्रस्तावना है। उन्हें जो है MSP का मतलब भी नहीं पता। अब सुरजेवाला जी मालूम नहीं है कि कौन सी भाषा समझते हैं। कृषि मंत्री ने नियमों के अनुरूप लोकसभा में इन तीन बिलों को निरस्त करने का प्रस्ताव पेश किया और सुरजेवाला जी को मालूम नहीं है कि उनको किस चीज़ पर एतराज है।